हेलो, वेलकम बैक टू हैम इंस्टीट्यूट। और आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक और न्यू रेजिडेंशियल फ्लोर प्लान, जिस प्लॉट का साइज़ होगा 17 फीट होगा फ्रंट, और उसकी जो डेप्थ होगी 50 फीट, 17 बाई 50, एंड दिस इज़ द टोटल प्लॉट। तो 17 बाई 50 का आपका होगा टोटल प्लॉट। इसके अंदर जो हमें बनाना है उसकी रिक्वायरमेंट्स देखते हैं एक बार। बेडरूम रहेगा एक, और उसी के साथ एक ही रहेगी इसमें किचन, और अटैच रहेगा बेडरूम के साथ स्टोर एंड बाथरूम एंड वाटर क्लोजेट रहेगी एक कॉमन, एक रहेगी फ्रंट में इसमें शॉप, और जो स्टेयरकेस रहेगा वो रहेगा बाहर से। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट्स आप देख लीजिए, बेडरूम, किचन, अटैच स्टोर, बाथरूम एंड वाटर क्लोजेट, शॉप और स्टेयरकेस आउटसाइड, एंड दिस इज़ द डेवलप्ड फ्लोर प्लान। इसको मैं आपको डिटेल से समझा देता हूँ। हाँ, तो ये हमारा प्लॉट है। तो लेफ्ट साइड में रहेगी हमारी ये शॉप, 7 फीट 4.5 इंच बाई 11 फीट, 4.5 इंच की इसमें हमारी शॉप रहेगी लेफ्ट साइड में, और ये बाहर हमारा रोलिंग शटर लग जाएगा। उसी के साथ साथ जो मेन गेट रहेगा वो ये रहेगा, और 8.5 बाई 13.5 का हमारा जो है ये पोर्च आ जाएगा। ठीक है, 8.5 बाई 13.5 का हमारा ये पोर्च आ जाएगा, एंड देन बाहर से ही हमारे जो है स्टेयरकेस जा रही है ये फर्स्ट फ्लोर के लिए। और जो घर के लिए मेन एंट्रेंस होगा वो ये डी आप देख रहे हैं, डी मीन्स ये डोर होगा, ये डोर लग आ जाएगा यहाँ पे मेन डोर। और मेन डोर से सीधा हम एंट्रेंस लेते हैं 8.5 बाई 15 फीट 3 इंच की लॉबी में, 8.5 बाई 15 की ये लॉबी आ जाती है, एंड लॉबी से जो है ये आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में लिखा है ओपन, ये हमारा ओपन स्पेस है 7 फीट 4.5 इंच बाई 5 फीट का। ठीक है, और इस ओपन स्पेस से हमारा कनेक्ट है ये डोर आएगा 3 बाई 4 की डब्ल्यू सी, एंड देन ये सेकेंड डोर आएगा 4 बाई 4 का बाथरूम। और जो ब्लैक ब्लैक आप हैचेस देख रहे हैं ये हमारी सॉलिड वॉल्स हैं। देन लॉबी से जो लेफ्ट साइड में ये हमारा डोर खुलेगा, और ये हमारा किचन रहेगा 7.5 बाई अप्रोक्स 10 फीट का किचन, और इसमें जो स्लैब रहेगा वो इस तरीके से एल शेप में रहेगा स्लैब। ओपन स्पेस के काफ़ी बेनिफिट होंगे यहाँ पे, एक तो किचन का वेंटिलेशन लेने के लिए इसकी विंडो यहाँ पे हो जाएगी, और इस ओपन स्पेस से जो लाइटिंग है वो किचन में आ जाएगी, और साथ ही साथ हमारी टॉयलेट एंड बाथरूम में एंड देन लॉबी में भी आ जाएगी। इसमें हम अगर एक विंडो लेना चाहें तो एक विंडो हम इसमें यहाँ पे ले सकते हैं लॉबी की लाइट के लिए। ठीक है, देन अब हम चलते हैं बेडरूम की तरफ। एक बेडरूम हमारा इसमें ये आ जाएगा, एंड दिस इज़ द मेन डोर ऑफ बेडरूम, और बेडरूम का जो साइज़ रहेगा वो रहेगा 11.5 बाई 14 फिट में, और इसमें एक 2 फिट की वार्डरोब यहाँ से कनेक्ट हो जाएगी। 11.5 बाई 14 का बेडरूम आ जाएगा, ये वार्डरोब आ जाएगी, क्योंकि हमें इसके साथ एक स्टोर भी कनेक्ट करना है। तो दिस इज़ द डोर, और 4.25 बाई 9.5 का ये डोर आ जाएगा, और इसी डोर के साथ साथ जो है हमें बेडरूम से एक, एंड दिस इज़ द ओपन एरिया, और इसका साइज़ रहेगा 4.5 बाई 6 फिट में। ठीक है ना, और बेडरूम की विंडो जो है वो हमारी इसी ओपन से ऑपरेट होगी, ये आ जाएगी हमारी विंडो, एंड यहीं से हो जाएगा ओपन स्पेस से हमारा इस बेडरूम का वेंटिलेशन। और बेडरूम के जो है आपका साइज़ मैंने बता दिया है, 11.5 बाई 14 का बेडरूम का साइज़ है ये, 2 फिट की हमारी वार्डरोब आ जाएगी विड्थ में, स्टोर आ जाएगा हमारा, एंड दिस इज़ ओपन एरिया, किचन भी हो गई है हमारी, दिस इज़ लॉबी 8.5 बाई 15, एंड ओपन एरिया, डब्ल्यू सी, बाथ, शॉप, पॉर्च, स्टेयर, और ये है हमारा 17 बाई 50 में कंप्लीट लेआउट फॉर 1 BHK सेट। अगर आपकी रिक्वायरमेंट अप्रोक्स यही है तो आप इससे ऑलमोस्ट आइडिया ले चुके होंगे, और अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं या प्लॉट साइज भी डिफरेंट है तो आप डायरेक्टली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबरों पर,
और हम आपका जो है फ्लोर प्लान वगैरह सब बना के आपको सेंड कर देंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग हैम इंस्टीट्यूट, टेक केयर एंड बाय।